हेलो एवरीवन, राधे राधे टू एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। मेरे राधा रानी और ठाकुर जी भी हैप्पी इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं। सो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, आज मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाई थी हैंगिंग बास्केट के लिए, वो पार्ट वन था। आज मैं पार्ट सेकंड आपको बता रही हूँ। और अगर आपने वीडियो वन नहीं देखी है, एक्चुअली पार्ट वन नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ जाके सबसे पहले उसे देखिएगा, उसके बाद इसे आप इसे भी देख सकते हैं, और इसको देखने के बाद आप उसे देख लेना। तो चलिए हम मेरे सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में शुरू होता है सबसे पहले नियोन पोथोस का। सो गाइस, ये है हमारा नियोन पोथोस। एक्चुअली जो मनी प्लांट होता है वो होता है ऐसा, और जो नियोन पोथोस होता है ना वो येलोइश, इसको आप येलो मनी प्लांट भी बोल सकते हैं। और ये भी सिमिलरली मनी प्लांट की तरह ही होता है, और इसको हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं। इसकी भी एरियल रूट्स होती हैं इस तरीके से। एक्चुअली ये भी मैंने कंटेनर में लगाया हुआ है, देखिए इस तरीके से इसकी एरियल रूट हो रही है, और ये काफ़ी बुशी प्लांट है, देख सकते हैं आप, और ये काफ़ी अच्छा चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने ब्रोकन हार्ट की। ब्रोकन हार्ट भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है, तो हम मैं भी उसको आपको दिखा देती हूँ। तो ये है ब्रोकन हार्ट, जैसे मॉन्स्टेरिया, सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक्चुअली आज 15 अगस्त है ना, तो पतंगे उड़ाई जा रही हैं, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और ये है मॉन्स्टेरा मनी प्लांट, जिसे इसमें ना एक्चुअली इसकी लीव से ही हम इसे जान पाते हैं। इसमें जो ये होल्स होते हैं ना, इसी से ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट लगता है, और इसे हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये है मॉन्स्टेरा और ब्रोकन हार्ट, दोनों ही नाम से जाना जाता है। और सो गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट इज़ द बेस्ट हैंगिंग प्लांट। पर्पल हार्ट अपने कलर से ही जाना जाता है, और इसके अंदर फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। इस तरीके से इसकी फ्लावरिंग होती है, और भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है, और ये काफ़ी अच्छा हैंगिंग बास्केट में चलता है। और जब ये हैंग होता है ना, तो पूरा हमारा जो भी टेरिस गार्डन जहाँ पे भी आप इसे लगा रहे हैं, तो पर्पल पर्पल इसमें कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनता है। और इसे ये भी सन लविंग प्लांट है, काफ़ी अच्छा चलेगा आपके। पर्पल हार्ट है इसका नाम, और ये नर्सरी से आपको 50-60 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। इसकी आप अगर एक भी स्टिक मिलती है ना आपको नियर बाय आपके किसी पड़ोसी से, तो भी आप इसे लगा सकते हैं, कोई निराशा वाली बात नहीं है, और ये एक ही डंडी से काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है बेबी सन रोज़। और बेबी सन रोज़ एक सन लविंग प्लांट है, और इसके अंदर फ्लावरिंग रेड कलर की होती है, और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ये हैंगिंग बास्केट प्लांट है, काफ़ी अच्छा चलता है, ये कंटेनर में भी आराम से चल जाएगा। देखिए इस तरीके से हैंग हो रहा है ना, उसी तरीके से ये हैंगिंग बास्केट में भी हैंग होता है, और बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमें टर्टल वाइन की। टर्टल वाइन इज़ अ बेस्ट हैंगिंग प्लांट, ये ग्रीन कलर की होती है, और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, कंटेनर एंड बास्केट दोनों में लग जाती है इसकी कटिंग। और ये एक सेमी शेड एरिया में है, और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चलती है। और ये है बोलिवियन जो, ये प्लांट इज़ अ बेस्ट हैंगिंग प्लांट, और ये आपकी बास्केट को पूरा कवर कर लेगा, आपकी बास्केट बिल्कुल भी दिखेगी नहीं कि कहाँ है आपकी बास्केट इस तरीके से। और ये शैमी शेड एरिया है, शेड लविंग प्लांट है, और ये काफ़ी अच्छा चलेगा, आप इसको एक बार लेकर आइए। और इसकी एक ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।